इख्तलाफ के बावजूद एहतराम से पेश आना कमजोरी नहीं, हमदानी होने की दलील है। हजूम के साथ गलत राह पर चलने से बेहतर है कि आप तन्हा राह हदायत पर चल पड़े। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को इतना महफूज रखता है। कुछ नए लोग आपकी जिंदगी में पुराने लोगों की कदर दिलवाने के लिए आते हैं। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में, जो खुश हुए वो अपने नहीं थे और जो अपने थे वो कभी खुश नहीं हुए। सब्र वाले सकून में रहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है अल्लाह बेहतर करेगा। इखलाक और ज़र्फ का इम्तहान तल्लक के ख़त्म होने के बाद शुरू होता है। इंसान गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली जिल्लत कभी नहीं भूलता। एक लड़की की कुल कायनात उसकी हया और पाकीज़गी है। कुछ लोग मेरी दुनिया में खुशबू की तरह हैं जो रोज महसूस तो होते हैं पर दिखाई नहीं देते। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। पता नहीं हम रब से जुड़ने के लिए अपने टूटने का इंतजार क्यों करते हैं।